आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो भाई आज का सीन ये है कि अभी आशुतोष का फोन आया था समर्थ के पास एंड उसने बोला कि वो मैकबुक खरीदने जा रहा है और अगर हम फ्री हैं तो हम भी उसे ज्वाइन करें। तो सडनली हमारा भी प्लान बन गया, क्योंकि ये कंटेंट क्रिएटर को और क्या चाहिए जब ऐसा कंटेंट मिले, स्पेशली एप्पल के प्रोडक्ट को खरीदने का एंड उसको ब्लॉग करने का। तो हमें ऐसा कंटेंट बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए और मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया है कि इस साल आपको 12-13 ब्लॉग दूंगा मैं। तो अगर मैं ऐसे कंटेंट मिस करता जाऊंगा तो आपको ब्लॉग कैसे दे पाऊंगा। तो आज का सीन ये कि आज हम खरीदने जा रहे हैं फिर से DLF मॉल यूनिकॉर्न के स्टोर पे एप्पल मैकबुक एयर M1 और स्टूडेंट डिस्काउंट वगैरह भी चल रहे हैं, तो वो भी आपको बता दूंगा कितना डिस्काउंट मिला, क्या फाइनल प्राइस पड़ा। तो इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिए ताकि आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो अभी आशुतोष घर से निकल चुका हूँ, 10-15 मिनट में वो अभी हमारे पास पहुंच जाएगा। मैं तो एकदम रेडी हो गया एंड समर्थ अभी रेडी हो रहा है। तो चलिए बस देखते हैं कैसा रहता है हमारा एक और एप्पल प्रोडक्ट का शॉपिंग का ब्लॉग। बने रहिए अंत तक मेरे साथ, मिलते हैं आपसे इंट्रो के बाद। समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। तो करण भाई आज हमारे साथ हैं और वही चला रहे हैं गाड़ी। पहली बार मैं बैठा हुआ हूँ जब करण गाड़ी चला रहा है। वैसे तो आज तो चलाते हुए लेके जाता है गाड़ी। हाँ, टीचर ने स्टूडेंट को दे दी गाड़ी। तो कैसा लग रहा है आपको आशुतोष, आपका स्टूडेंट गाड़ी चला रहा है आज? 3 स्टार दिए हैं। 5 में से 10 में से 10 में से। अरे भाई साहब, अरे सही तो चला रहा है, मस्त गाड़ी चला रहा है हमारे करण भाई। और करण भाई थोड़ी मेहनत और करो, आपको 3 से 7। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? और अभी हम जा रहे हैं DLF मॉल नोएडा फिर से दोबारा। एक और बार मौका मिला DLF मॉल जाने का, एक और बार एप्पल स्टोर एप्पल की शॉपिंग। कौन सा लेना है? ये मैकबुक एयर और इसका प्राइस है अभी 99,900, 256 GB वाले का। ये बताएंगे इन्हें कौन सा लेना है? ये रहे हमारे आज के स्टार ऑफ द ब्लॉग। ये कौन सा है? ये सिल्वर है। अच्छा, स्पेस ग्रे ये होगा ना? ये स्पेस ग्रे है, लेकिन ये मैकबुक प्रो है, लेकिन ये कलर सेम इसमें से देख सकते हैं। तुम्हें कौन सा चाहिए? तुम्हें कौन सा चाहिए? दिखाओ। ये चाहिए तुम्हें? इससे बड़ा साइज ये भी है वैसे? बढ़ेगा क्या? और तो ये इसका प्राइस देख लो भाई पहले। प्राइस नहीं देखते हम, चीज देखते हैं बस। बस देखते हैं, बस छोटा सा मसला है इसके में। क्या? ये जो है ना, ये भी बढ़िया है। हाँ, इसके चार्ज छोटा सा मसला। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। नहीं है मेरे को। दिल की धड़कने बढ़ती हुई। पैसा तो तुमने दिया, पैसा तो कट गया है, हमारी क्रेडिट कार्ड से कटा है, बाद में देगा। एंड फाइनली बिल हो चुका है मैकबुक का, और जब आईफोन दिया था तब भी भैया ने हमारा बिल बनाया था।
शुक्र है चार्जर तो अब साथ में मिलता है, कुछ नहीं पता आगे चार्जर भी अलग से खरीदना पड़े मैकबुक का भी। अब हमारे सीएस और आईटी एक्सपर्ट जो है सेटअप करेंगे अपने अकॉर्डिंग। अब आशुतोष सोच रहा है कि मैकबुक ले तो लिया, अब इसका काम क्या है? अभी से सीखना पड़ेगा, एक दो दिन में इसका कोर्स चलेगा अभी मैकबुक सीखने का, यूट्यूब पे डालेगा वर्ड भी डालेगा मैकबुक पर, हाउ टू ओपन मैकबुक। लैपटॉप लेके अब हम निकल चुके हैं घर के लिए। आई होप आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। हाँ, वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको प्राइस बताना भूल गया, तो हमें ये फाइनल प्राइस पड़ा 70,900 का। और समर डिस्काउंट बता देगा क्या क्या लगे हैं उस पर? हाँ, अगर आप यूनिकॉर्न के स्टोर पे जाएंगे तो यूनिकॉर्न के स्टोर पे भी स्टोर डिस्काउंट चल रहा है, तो आप वहाँ पे अराउंड 16-17% स्टोर डिस्काउंट ले सकते हैं। और स्टूडेंट आईडी लगाई ना हमने, तो स्टूडेंट आईडी लगाई तो हमें 19% डिस्काउंट मिला है। बाकी उसके साथ जो है आपको 10,000 का HDFC कैशबैक मिल जाएगा, और उसके बाद आपको शायद थोड़ी एक्सेसरीज वगैरह लेनी पड़ती है वो आप देख सकते हैं। जुगाड़ लगाओगे तो एक्सेसरीज बच भी जाती है, ऐसे हमने कोशिश करी क्योंकि हमने पिछली बार भी उन्हीं से लिया था तो रेफरेंस काम हो गया। बाकी ये है कि वो एक्सेसरीज के लिए आपको बोलेंगे 5,500 की एक्सेसरीज मिलती हैं, तो वो आपको लेनी पड़ सकती हैं। अदरवाइज आपको जो है ये अराउंड 71-72 का पड़ेगा, और 4-5,000 की एक्सेसरीज लगा के 76 का पड़ जाएगा। तो चलिए सारी इन्फॉर्मेशन दे दी मैंने, आई होप आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक जरूर दें। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर किसी और नए दिन किसी और नए ब्लॉग में। तो अंटिल फॉर द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर, पीस। Even the night's the darkest before the dawn.